हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 31 दिसंबर 2019 की पुलिस भर्ती की रेस लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस वक्त पुलिस की 49,568 वाली वैकेंसी की दौड़ चल रही है। तो इस वीडियो में 49,568 भर्ती की दौड़ मेरठ ग्राउंड से आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ मेरठ ग्राउंड में ये 31 दिसंबर जो कि इस साल का सबसे ठंडा दिन गुज़रा, इस दिन की दौड़ है और इस दिन ये तीसरे बैच की दौड़ है। तो इस बैच में 178 बच्चे लिए गए थे और जिसमें से 15 बच्चे फेल हुए, जिन्होंने रेस पूरी नहीं कर पाए। जैसे कि या तो उनके चक्कर कम रह गए या फिर उनका टाइम ज़्यादा हो गया, इस तरीके से वो अपनी रेस पूरी नहीं कर पाए और बाकी सब पास हुए। तो ये थर्ड बैच की वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे कि 178 किस तरीके से लिए, कोई संख्या पूरी होनी चाहिए थी। तो वो इसलिए लिए गए 178 कि 2 बजे से रिपोर्टिंग टाइम चल रहा है, 2 टाइम से, एक सुबह 8 बजे से और एक दोपहर 1 बजे से। तो 500 बच्चा सुबह 8 बजे से हैं और 500 दोपहर 1 बजे से, तो 500 पूरे तो आ नहीं रहे। तो ऐसा ही था, 150 पहले बैच में, फिर 150 दूसरे बैच में, 300 और बाकी सब जो बचे वो तीसरे बैच में। तो तीसरे बैच में पूरे 200 ना बचकर 178 बच्चे बचे थे, जिसमें से 15-16 बच्चे फेल हुए और बाकी सब पास हुए हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, लुत्फ़ उठाएं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस भर्ती की रेस किस तरीके से लगती है, कैसे लगती है, सब कुछ आप इससे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए।